हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा, सहायक अध्यापक गुरु नानक इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय का अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जीव जनन क्यों करते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, विभिन्नता का महत्व, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, लैंगिक जनन और अंत में आपके लिए कुछ ग्रह कार्य। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीव जनन कैसे करते हैं। पर विचार करने से पूर्व आइए एक मूलभूत प्रश्न पर विचार करते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण जैसे जैव प्रक्रम जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु जनन जैसा प्रक्रम जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। जनन की क्रिया में जीवों को अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जीव इतनी अत्यधिक ऊर्जा खर्च कर फिर भी जनन करते हैं, आखिर क्यों, सोचिए जरा। इस प्रश्न का आप जो भी जवाब सोचें, लेकिन यह बात निश्चित है कि जीव जनन करते हैं, इस कारण ही वो हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि जीव, ये आप देख रहे हैं, ये एक पेयर है डॉग, ये जनन कर रहे हैं तो इनकी संतति की संख्या बढ़ रही है। यदि जीव जनन ना करे, किसी भी प्रकार का जनन ना करे और वो अकेला हो, तो उसके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। अतः किसी समष्टि में जीवों की विशाल संख्या ही उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। अब एक और प्रश्न आता है कि भाई ये कैसे पता लगे कि दो जीव, दो व्यष्टि एक ही जाति के हैं। तो आप कहेंगे इसका सीधा सा उत्तर यह है, वो जीव आपस में एक जैसे दिखाई देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक वानर है, उसका एक बच्चा है, इसका बच्चा बिल्कुल इसके समान दिखाई पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही जाति के हैं। अर्थात जनन वह क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी दिखने वाली संतान उत्पन्न करता है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करता है? विभिन्न जीवों की बनावट, आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए जरूरी है कि उनका अभिकल्प का ब्लूप्रिंट भी एक जैसा हो। अर्थात जनन आधारभूत रूप से शरीर के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आइए इसे समझते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कोशिका, कोशिका के भीतर केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र और गुणसूत्र के डीएनए में, डीएनए यानी कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल में अनुवांशिक गुणों के लक्षण होते हैं। ये अनुवांशिक गुणों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। डीएनए के इन अणुओं में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं होती हैं। अगर इन सूचनाओं में भिन्नता होगी तो बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। प्रोटीन भिन्न होगी तो शारीरिक अभिकल्प में भी भिन्नता आएगी। जैसे आप यहां पर देखिए, एक बिल्ली का बिल्ली है, इसके डीएनए में प्रोटीन से संबंधित सूचनाएं हैं और वो सूचनाएं जब फलीभूत होती हैं तो उसके जैसी ही एक और संरचना उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनन के प्रोसीजर में जो शारीरिक अभिकल्प है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसे और विस्तार से देखते हैं, वास्तव में जनन की मूल धारणा ही डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। जनन की मूल घटना में शामिल है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लेती है। इस प्रकार डीएनए की
दो प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। अब डीएनए की एक प्रतिकृति से दो प्रतिकृतियां आप यहां देख रहे हैं तैयार हो रही हैं। अब इन दोनों प्रतिकृतियों का एक दूसरे से अलग होना भी जरूरी है। एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस दूसरी प्रति के पास जैव प्रक्रम को अक्षुण रखने वाला संगठित कोश के संरचना नहीं होगी। अतः कोशिका डीएनए प्रतिकृति के साथ साथ कोश के संरचना को भी निर्माण करती है। अब आप देख रहे हैं एक कोशिका है विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। यद्यपि ये दोनों कोशिकाएं समान हैं, पर क्या ये एक दूसरे के समरूप हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि डीएनए प्रतिकृति बनने की क्रिया कितनी यथार्थता के साथ संपन्न हुई है। कोई भी जैव रासायनिक क्रिया पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। इस त्रुटि के कारण ही जीव में विभिन्नता आती है। कभी कभी ये विभिन्नताएं इतनी उग्र हो सकती हैं कि कोशिका अपनी डीएनए के साथ समायोजन नहीं कर पाती और उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अधिकांशतः ये विभिन्नताएं समायोजन कर लेती हैं, अतः एक नया जीव तैयार होता है जो भिन्नता लिए हुए होता है। अगर हम कह सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति बनने में जीव समान तो होते हैं, परंतु एक दूसरे के समरूप नहीं होते, वो कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए होते हैं। ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार बनती हैं। इस बात को हम आगे जैव विकास जब हम पढ़ेंगे तब हम इसका वर्णन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो विभिन्नताएं हैं इनका क्या महत्व है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। डीएनए की प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे उसके विशिष्ट निकेत के योग्य बनाता है। इस निकेत में परिवर्तन आते रहते हैं जिस पर जीवों का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। कैसे परिवर्तन? जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ जाए या कम हो जाए, जल स्तर में परिवर्तन आ जाए, पृथ्वी पर उल्कापात हो जाए। मान लीजिए कोई समष्टि अपने पारितंत्र के बिल्कुल अनुकूल है और उस समष्टि में उग्र परिवर्तन होते हैं। उस उग्र परिवर्तन के फलस्वरूप अधिकांश व्यष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन यदि समष्टि में कुछ भिन्नता होगी तो उसके बचे रहने की कुछ संभावना रह जाती है। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक शीतोष्ण जल में रहने वाले जीवाणुओं की समष्टि है, जिसमें अधिकांश जीवाणु हम देख रहे हैं एक ही प्रकार के हैं, लेकिन कुछ जीवाणु, मैंने उन्हें रेड डॉट से दिखाया है, विभिन्नता लिए हुए होते हैं। वैश्विक उष्मीकरण के फलस्वरूप, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप, जब जल का ताप बढ़ता है तो अधिकांश जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल वही जीवाणु जिनमें वो विभिन्नता होती है, जो इस ताप को सहन करने की क्षमता रखते हैं, बचे रह जाते हैं और इस समष्टि को लेकर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के कारण ही हमने देखा जीवों की समष्टि बनी रहती है। अब हम देखेंगे कि भाई विभिन्न प्रकार के जीव इस जनन की क्रिया में करने के लिए क्या अकेले इस कार्य को संपादित कर पाते हैं या किसी दूसरे पार्टनर का सहयोग लेकर ये कार्य संपन्न करते हैं। इन पूरी की पूरी बातों को आइए हम विचार करते हैं, सोचते हैं। किसी जीव में जनन किस प्रकार से होगा, वो जनन की कौन सी विधि को चुनेगा, यह उसके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम एकल जीवों में देखते हैं। एकल जीवों में जनन करने की कई विधियां हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन की। एक कोशिक जीवों में
कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों को निर्माण करने की क्षमता होती है। इस विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। जीवाणु प्रोटोजोवा में एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाओं में बंटकर नई संतति का निर्माण करती है। एमीबा एक कोश के प्राणी है, उसमें किसी भी तल से, एक सरल प्राणी है, उसमें किसी भी तल से कोशिका विभाजन द्वारा उसका शरीर दो भागों में बट जाता है। जब मैं तल की बात कर रहा हूं, आप यहां देख रहे हैं चित्र में, यहां पर ये एमीबा है और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इस तल से इसमें विभाजन प्रारंभ हुआ है और ये कोशिका इस प्रकार से विभाजित होकर दो भागों में बट गई है। चूंकि एमीबा का शरीर सरल है तो उसमें विभाजन देखे यहां से इस तल से ऐसे भी हो सकता था, यानी ये तल भी चुन सकती है और दो भागों में बट सकती है। लेकिन वे जीव जिनमें एक कोशीय संगठन कुछ विशिष्ट है, जैसे काला अजार के रोगाणु लिस्वानिया में, उसके शरीर के एक सिरे पर एक कोड़े के समान संरचना होती है। जब यह द्विखंडन द्वारा विभाजित होता है तो उसमें विभाजन केवल एक ही तल से संभव है, इस तल से ही यह दो भागों में बट सकता है। इस भाग इस तरह से दो भागों में यह बट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था में यहां पर असमान कोशिकाएं प्राप्त होंगी, और जबकि हमने बोला है कि कोशिका विभाजन में दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में कोशिका एक साथ कई भागों में विभाजित होकर बहुत सी संतति कोशिकाओं में बट जाती है। इस कारण से हम इसे बहुखंडन कहते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है, जैसे स्पाइरोगायरा विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड फिर नए जीव में विकसित हो जाता है। स्पाइरोगायरा जैसे सरल कोश के जीवों के लिए तो यह बात सही है, लेकिन सभी बहुकोशिकीय संरचना वाले जीवों के लिए कोशिका दर कोशिका विभाजन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्कों का निर्माण करती हैं। ये उत्क अंगों का निर्माण करते हैं और इन अंगों का शरीर में एक निश्चित स्थान होता है। इस तरह की सगज व्यवस्थित संरचना वाले जीव में कोशिका दर कोशिका विभाजन होकर नए जीव का निर्माण होना संभव नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि इनमें जनन किस प्रकार से हो। इनमें जनन एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये विशिष्ट कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं और जनन में भाग लेती हैं, जैसे हम जनन की अगली विधि में इस बात को समझ सकते हैं। यह विधि है पुनरुद्भवन। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव को निर्माण करने की क्षमता होती है। यदि किसी कारण से इनका शरीर छत विछत हो जाए या टुकड़ों में टूट जाए तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में। यहां पर आप देख रहे हैं चित्र में, एक प्लेनेरिया के शरीर को हमने कई खंडों में काट दिया, यहां पर तीन खंड आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रत्येक खंड उस भाग को निर्माण कर लेता है जो उसका हिस्सा नहीं है और नए जीव में विकसित हो जाता है। प्लेनेरिया में यह कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। यह कोशिकाएं परिवर्तन के द्वारा अनेक उत्कों में बटती हैं। ये उत्के व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध होकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। यह घटना पुनरुद्भवन कहलाती है। परंतु पुनरुद्भवन को हम जनन की और क्रियाओं के समान नहीं मान सकते। कारण? क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब हम इसकी अगली विधि पर विचार करते हैं, मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन से एक उभार बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह उभार विकसित होकर नन्हे जीव में बदल जाता है।
जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है तो यह मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रा का एक प्राणी है, यहां पर इसमें एक छोटा उभार आया है जो विकसित होकर नन्हे हाइड्रा में बन जाता है, और जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है तो अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के लिए करते हैं, इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। परतन, रोपण, कलम जैसी तकनीकों का उपयोग कृषि विज्ञान में किया जाता है। अंगूर, गन्ना, केला, संतरा, नींबू आदि में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन किया जा सकता है। इस विधि के कुछ लाभ भी हैं। इस विधि के द्वारा तैयार पौधे बीज विधि से तैयार पौधों से कम समय में ही फल, फूल और बीज देने लगते हैं। इनमें उत्पन्न पौधे अपने अनुवांशिक गुणों में पैतृक पौधों के समान होते हैं। और लास्टली कायिक प्रवर्धन तकनीक के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनके द्वारा उन पौधों का उत्पादन भी हो जाता है जो अपने बीज बनाने की क्षमता को खो चुके हैं। यहां पर मैं एक उदाहरण, ब्रायोफिल्लम की एक पत्ती ली गई है, उसके जैसे जैसे पत्ती पुरानी होती है उसके किनारों पर नन्हे ब्रायोफिल्लम की कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों को जन्म दे देती हैं। जब यह पत्ती टूटकर नीचे गिरती है तो प्रत्येक पौधा नए ब्रायोफिल्लम के पौधे को जन्म देता है। आइए आपके लिए एक अनुप्रयोग के द्वारा हम कायिक प्रवर्धन को समझने की कोशिश करते हैं। आलू आप सबके घर में होता है। आलू के इस प्रकार काटिए कि कुछ में कुछ भागों में उसकी आंख वाला हिस्सा रह जाए और कुछ भागों में आंख वाला हिस्सा ना रहे। एक ट्रे में नीचे रेत या थोड़ी सी रुई बिछाइएगा, उसके ऊपर पानी डालिएगा और इसको अंधेरे वाले स्थान में रख दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि रुई या रेत सूखने ना पाए। कुछ दिनों के बाद आप इसे बाहर निकालिएगा और अवलोकन कीजिएगा कि आलू के किस भाग से नन्हे पौधे विकसित हो रहे हैं और वो कौन सा भाग है जिससे नन्हे पौधे विकसित नहीं हो रहे हैं। इन प्रेक्षण को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राइजोपस में। राइजोपस का शरीर कवक तंतुओं का बना होता है। ये कवक तंतु सारे तो जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन जो उर्ध तंतु पर के सिरों पर कुछ घुंडी के समान गोल संरचनाएं होती हैं, इन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इसके भीतर विशेष प्रकार की कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु चारों ओर से एक परत द्वारा ढके रहते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी सुरक्षा करते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु बिखर जाते हैं और नम स्थानों पर अंकुरित होकर नए राइजोपस को जन्म देते हैं। आइए अब हम इस तकनीक को भी सीखते हैं जो आजकल बहुत प्रयोग में है, और वो है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। इस तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन में शीर्ष भाग से आप देख रहे हैं ये लेकर एक कृत्रिम पोषक माध्यम में इस भाग को रखा जाता है, जिससे ये कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का एक छोटा समूह बना लेती हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को एक वृद्धि और परिवर्धन वाले अलग हार्मोन्स युक्त वातावरण में रखते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद नए नन्हे नन्हे पौधों को यहां से उठाकर भूमि में रोप दिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से नया पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार संक्रमण मुक्त माध्यम में एक पौधे से कई पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग आजकल सजावटी पौधों को बनाने में अधिक किया जा रहा है। इस प्रकार आपने देखा इन सभी विधियों में केवल एकल जनक ही भाग ले रहा है और किसी भी लिंग कोशिका का निर्माण यहां पर नहीं हो रहा है। इस कारण से हम इन्हें एलैंगिंग जनन कहते हैं। अब क्या जनन की कोई ऐसी विधि भी है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं? आइए उस पर चर्चा करते हैं। हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं
जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यस्टि यानी एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो एकल बैल अपनी संतति बछड़े को उत्पन्न कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नव संतान उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दो लिंगों की आवश्यकता होती है। इस कारण ही हम इसे लैंगिंग जनन कहते हैं। लैंगिंग जनन की आवश्यकता क्यों? क्या अलैंगिक जनन की कुछ परिसीमाएं हैं? हमने अभी तक जाना एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृतियां एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं होती, उसमें परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है, परंतु समष्टि में स्थापित विभिन्नताएं उस प्रजाति को संरक्षित रखने में सहायक होती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये कुछ कीड़े लाल रंग में आप दिखाई दे रहे हैं और ये कौवा इन्हें खा रहा है। कुछ विभिन्नता जनन में कुछ विभिन्नता आने के कारण एक हरा बीटल भी इसमें पैदा हो जाता है। ये कौए को हरी पत्तियों में नहीं दिख पाता है। इस विभिन्नता के कारण ही सारे लाल बीटल्स लगभग समाप्त हो जाते हैं और हरे बीटल की प्रजाति बच जाती है। यानी यह विभिन्नता इस प्रजाति को आगे लेकर चलती है। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होती, परंतु वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नताएं अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती हैं। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां अपनी कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं रख पाती और उसकी मृत्यु हो जाती। अतः अब प्रश्न आता है कि इस परिवर्त करने के प्रक्रम को किस प्रकार से गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। संतति में नई विभिन्नताओं के साथ साथ पूर्ववर्ती पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं और अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होते हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनूठा होगा। लैंगिंग जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। तो हम देख रहे हैं जनन की एक ऐसी विधि जो दो विभिन्न जीवों से विकसित होती है अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, परंतु जिसमें दो अलग जीवों का डीएनए आएगा इससे एक समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी कि यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। अर्थात यदि दो पेरेंट्स मिलकर एक संतति को उत्पन्न करेंगे तो पहले पेरेंट्स का डीएनए दूसरे पेरेंट्स का डीएनए संतति में जाएगा, उस संतति में अपने पेरेंट से दुगना डीएनए उत्पन्न हो जाएगा, जब वो अगली संतति पैदा करेगा तो उसमें भी उससे दुगना, और इसके कारण से उस कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूट जाएगा। इस समस्या का समाधान जीवों ने कैसे किया है? उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि इनके विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुण सूत्रों की संख्या आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी रह जाती है। ये जो विधि उपयोग कर रहे हैं कोशिका विभाजन की, इसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के नाम से जानते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका जो युग्मक पैदा करती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, यानी डीएनए की मात्रा आधी है, दूसरे में भी डीएनए की मात्रा आधी है। अब ये युग्मक परस्पर संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और उस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पूर्व की भांति दुगनी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हुई, डीएनए की मात्रा भी दुगनी हो जाती है।
हमने भी बताया कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नरयुग्मक और मादा युग्मक, कौन नरयुग्मक है कौन मादा युग्मक है इसका भी अभी हम चर्चा करेंगे, दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। अब इस युग्मनज यदि ये युग्मनज यदि वृद्धि और परिवर्धन करता है और नए जीव में विकसित होता है तो इसे विकसित होने के लिए ऊर्जा का भंडार चाहिए। जो सामान्य सरल संरचना वाले जीव हैं उनमें जनन कोशिकाओं से जो युग्मक निर्मित होते हैं उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, वे समान संरचना वाले होते हैं। परंतु अधिकांश विशिष्ट जो जंतु होते हैं उनमें एक युग्मक जिसमें भोजन की मात्रा अधिक संचित हो जाती है और वो बड़ा हो जाता है, जो विकसित होते भ्रूण के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। जबकि जो दूसरा युग्मक है जो छोटा होता है लेकिन अधिक गतिशील होता है उसे हम नर युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस युग्मनज से नई संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि लैंगिंग जनन प्रणाली में दो अलग अलग जनकों से नर युग्मक और मादा युग्मक निर्माण करके नई संतति का निर्माण कर लेते हैं, जो संतति अधिक विभिन्नता लिए हुए होती है, अपने पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अधिक सफल होती है। चलिए देखें आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा जीव जनन क्यों करते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं, विभिन्नता का महत्व, एकल जीवों में प्रजनन की विधि और लैंगिक जनन। तो आपके लिए गृह कार्य रहेगा डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है क्यों, आपने प्रवर्धन विधि पढ़ी है तो सोचिए ऐसा क्यों किया जाता है। हाइड्रा में जनन की मुकुलन विधि को केवल चित्रों के द्वारा समझाना है। हाइड्रा में आपने देखा मुकुलन विधि है, उसमें वर्णन आपको नहीं करना है, केवल चित्रों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना है। फिर अंत में लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा कैसे पूर्ण स्थापित हो जाती है इसका जवाब आपको देना है। अब हम समझते हैं कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चलिए इसके अगले भाग में स्टूडेंट्स हम अध्ययन करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, मानव में लैंगिक जनन और जन स्वास्थ्य कैसे होता है, इस पूरी की पूरी डिटेल को हम इस लेसन के अगले पाठ में पढ़ेंगे। आपने आशा है आपने इस बात को अच्छी तरह से सुना होगा। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।